यहाँ पे हम अक्सर हंटिंग भी करते थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब हैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल हिम्मत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान व्लॉग। सो काफ़ी अरसे से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा आउटिंग व्लॉग बनाए। तो आज मैं आउटिंग करूँगा दोस्तों के साथ, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर के साथ भी शेयर करो, तो आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो आप हमारे साथ रहिए और व्लॉग को पूरा इंजॉय करें। अभी मैं रवाना हो गया हूँ, लेकिन अभी मैंने इस बंदे को पिक करना है ना। अच्छा, तो मैंने इसको और दूसरा बंदा सामने रोड में है, रोड में इसको भी पिक करना है, तो फिर हम चलते हैं। बंदे को मैंने पिक करना है यहाँ पे, यूनुस खान भाई बैठो बैठो। मैंने यूनुस खान से कुछ समोसे और पकोड़े मंगवाए, क्योंकि वहाँ पे खाने का मजा कुछ और होता है। क्या बोला तूने? तो मैंने सोचा कि क्यों ना उससे हम पकोड़े मंगवाए। गाइस मैं अभी वेट कर रहा हूँ यूनुस खान को, मेरे साथ आमिर भाई है, आमिर भाई मेरा कजन है। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। तो हम वेट कर रहे हैं समोसे और पकौड़े को, तो जैसे भी वो आ जाए तो फिर हम बरान के साइड पे, क्योंकि बरान का साइड थोड़ा मतलब तनहा तनहा है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और आपको भी मजा आएगा यार। तो हमारे किस्मत में तो समोसे पकोड़े थे नहीं, लेकिन हमने बस इमरजेंसी में ये चीजें ले, तो बस इससे काम चलेंगे। फाइनली गाइस हम पहुंच गए और हम यहाँ पे बरान साइड पे आ गए। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी खुशगवार मौसम है और यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब क्रिकेट भी खेलते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो अक्सर लोग यहाँ पे मतलब गपशप के लिए आते हैं, तो हम भी आए। हमारे साथ यूनुस खान भाई है जो हमारा कज़न है, और आमिर भाई है, और वो जो देख रहे हैं ना शेर अब्दुल्ला, वो भी आने वाला है। तो यहाँ पे हम गपशप लगाएंगे, कुछ खाएंगे भी, स्टिंग भी पियेंगे, और ये जो पीछे देख रहे हैं ना पीछे, पीछे नया इलाका, यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त मौसम है। तकरीबन आई थिंक एक साल बाद यहाँ पे आया, तो अक्सर हम पेशावर पे होते हैं और मतलब बनो में हम टाउन सिटी में है। तो यहाँ पे मैं एक साल बाद आया और यहाँ पे हम मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हम अक्सर हंटिंग भी करते थे, और जो हमारे साथ अमीर लोग थे ना, तो हम अक्सर यहाँ पे हंटिंग करते थे और क्रिकेट भी खेलते थे यहाँ पे। तो अभी भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बोला मुझे तो काफ़ी भूख लगी है, मुझे तो काफ़ी भूख लगी है, और यूनुस खान ने सिर्फ ये लाया है, और यूनुस खान ने सिर्फ ये लाया है, ये है स्टिंग, और मुझे लगी है बहुत भूखम। और ये जो देख रहे हैं ना, ये सनसेट है, और यहाँ पे खाना का मतलब कुछ अलग होता है ना। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो ये सनसेट है और ये हम खाएंगे यहाँ पे। ये
गाइस अभी हमने काफी एंजॉय किया और बाहर तो काफी ठंड भी है क्योंकि सर्दी का मौसम है और यहाँ पे काफी ठंड होता है। तो अब हमने सोचा कि हम घर जाएंगे क्योंकि लेट हो रहा है, तो अभी हम जाएंगे और यहाँ पे काफी ठंड। तो गाइस आपने देखा भी होगा क्लिप में और अक्सर लोग कहते हैं कि बन्नो तो वीरान सा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बन्नो बहुत खूबसूरत है और मुख्तलिफ लोग भी आते हैं विजिट करने के लिए। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी ज़रूर विजिट करें क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत माहौल और पुरअमन जगह है और ब्यूटिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं सबको रिकमेंड भी करूंगा कि अगर आप तो अभी मैंने नमाज पढ़ा और मेरे साथ छोटा भाई शाहजैन भी है, तो काफ़ी अंधेरा हो गया और व्लॉग का एंड अब यहाँ पे करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।